तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल सक्सेस वर्ल्ड MCQ में। तो आज का क्लास बहुत ही खास होने वाला है, ठीक है। तो आज का क्लास, चलिए आज का क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, काला शोक कौन सा वंश के शासक थे, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस है शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा जाएगा शिशुनाग वंश को, ठीक है। जो बच्चे ऑप्शन ए लगा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था, ठीक है। आपके ऑप्शंस है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। जो भी बच्चे चंद्रगुप्त मौर्य को लगा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दार्जिलिंग पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। जो कोई भी आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो दार्जिलिंग बहुत ही फेमस है, ये कहाँ पे है, तो ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया था, ठीक है। तो ये बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक दिवस तो हमेशा क्वेश्चन में आता ही है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया था, आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 3 मार्च, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 14 मार्च या ऑप्शन डी 8 जून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 3 मार्च को, ठीक है। तो विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया था, 3 मार्च को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं ए 1919, ऑप्शन बी 1920, 1921 या 1917। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1921, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी 1921 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं ए कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन बी क्रिस्ट मिशन योजना, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान को अलग किया गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैदराबाद नगर के संस्थापक कौन है, ठीक है। आपके ऑप्शन है शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी गयाउद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी निजाम उल मुल्क या ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी को जाता है, निजाम उल मुल्क, ठीक है। हैदराबाद नगर के स्थापक कौन थे, वो निजाम उल मुल्क थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कान में कितनी हड्डी पाए जाते हैं, ठीक है। कान में कितनी हड्डी होती है, ठीक है। आपके ऑप्शन है 2, 4, 6 या 8। तो कान में 6 हड्डी, यानी 6 हड्डी पाया जाता है, ठीक है। और ये कान में सबसे छोटी हड्डी पाया जाता है स्टेप्स, ठीक है। कान की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय कहाँ है। आपके ऑप्शंस हैं लंदन, मनीला, जकार्ता या जेनोवा। जो भी आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा जेनोवा, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय कहाँ है, तो वो हो जाएगा हमारा जेनेवा, ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमृतसर शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो आपके ऑप्शन से गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास या अशोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर सर स्थापना किया गया था, ठीक है। सी नंबर राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है। एक लोक नृत्य भी, ये भी एक एग्जाम में जरूर ही आता है, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। आपके ऑप्शन हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर जाता है हमारा पश्चिम बंगाल को, ठीक है। ये बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है, तो वो है पश्चिम बंगाल का, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया गया था, ठीक है।
आपके ऑप्शन है 1952, 1961, 1962 या 1971। तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, 1952 में पहली बार आपातकालीन लगाया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। ठीक है, आपके ऑप्शन से भगत सिंह, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती या बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती ने दिया था, वेदों की ओर लौटो इसका नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन से 1895, 1901, 1191 या 1923। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। ठीक है, आपके ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, झेलम या रावी। ठीक है, यहाँ पे रावी होगा, ध्यान रखेंगे आप, रावी नदी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा नदी। ठीक है, ताप सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, तो वो है नर्मदा नदी पर। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है 8 मार्च, 12 अप्रैल, 18 मार्च या 22 जून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, आपके ऑप्शन है 620, 635, 639 या 638। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 639 हमारी मांसपेशी पाई जाती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे कि एंटीबॉडी किस रुधिर वर्ग में नहीं पाया जाता है। आपके ऑप्शन है रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी या रुधिर वर्ग ओ। कमेंट करेंगे इसका आंसर अगर आपको मालूम है तो। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी। ठीक है, आपके ऑप्शन है गुरु हरगोविंद, गुरु तेज बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गुरु तेज बहादुर। ठीक है, औरंगजेब ने किसकी हत्या करवाई थी, तो वो गुरु तेज बहादुर की हत्या करवाई थी। ठीक है, और ये सिख के 9वें गुरु थे। ठीक है, ये सिख के 9वें गुरु थे और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के डाक टिकट की शुरुआत किसने की। ठीक है, आपके ऑप्शन है लॉर्ड, यहाँ पे ध्यान रखेंगे थोड़ा, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड रिपन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो चुके हैं, आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, डाक टिकट की शुरुआत किसने की थी, तो डाक टिकट की शुरुआत हमारा लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लखनऊ में 1887 की क्रांति को दबाने वाला ब्रिटिश कौन था। ठीक है, आपके ऑप्शन है कैंपबेल, यहाँ पे हीरोज है। ठीक है, हीरोज, ऑप्शन सी निकोलसन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कैंपबेल, ए नंबर राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा UNDP। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि UNDP का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है जिनोवा, न्यूयॉर्क, द हेग या वाशिंगटन। ठीक है, तो UNDP का होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, UNDP का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा न्यूयॉर्क में। ठीक है, UNDP का मुख्यालय कहाँ है, तो UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो हमारा युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है, वो स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
पाटलिपुत्र को किस शासन ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। तो पाटलिपुत्र को किस शासन ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? आपके ऑप्शन हैं उदयन, अशोक महान, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उदयन। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है। ठीक है, पाटलिपुत्र को प्रथम सर्वप्रथम अपनी राजधानी उदयन ने ही बनाई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल कितने केल्विन पर जमता है? ठीक है, जल कितने केल्विन पर जमता है? आपके ऑप्शन हैं 100, 212, 273 या 310। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 273। ठीक है, जल कितने केल्विन पर जमता है? तो वो 273 केल्विन पर जल हम जमता है। ठीक है, ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी? आपके ऑप्शन हैं 1973, 1991, 1992 या 1994। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में, ठीक है ध्यान रखेंगे, बिहार में भीम बांध वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं दरभंगा, बेगूसराय, कटिहार, मुंगेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुंगेर। ठीक है, भीम बांध वन जीव अभयारण्य कहाँ है? वो मुंगेर में है, बिहार के मुंगेर में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी को देवीतमा शब्द में संबोधित किया है? ठीक है, देवीतमा शब्द से संबोधित किया गया है। ठीक है, आपके ऑप्शन है सिंधु नदी, यमुना नदी, चिनाब नदी, सरस्वती नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सरस्वती नदी को देवीतमा या नदीतमा भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि सरस्वती नदी को देवीतमा या तो नदीतमा भी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यू इंडिया के लेखक कौन है? ठीक है, न्यू इंडिया के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, एनी बेसेंट। ठीक है, न्यू इंडिया के लेखक कौन है? एनी बेसेंट और कॉमनवेल्थ। ठीक है, एक है कॉमनवेल्थ जो पत्रिका है, उसके भी लेखक कौन है? तो वो है एनी बेसेंट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पे रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है? ठीक है, यहाँ रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए गिर जंगल, ऑप्शन बी गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन सी महानदी डेल्टा या ऑप्शन डी सुंदरबन डेल्टा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सुंदरबन डेल्टा में हमारा रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित देश में से कौन सा 2024 के ओलंपिक खेल की मेजबानी करेगा? ठीक है, आपके ऑप्शन हैं जापान, चीन, रूस, फ्रांस। 2024 में ओलंपिक खेल की मेजबानी कौन करेगा? तो वो फ्रांस करेगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? ठीक है, आपके ऑप्शन हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा महात्मा गांधी। ठीक है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? वो महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है? ठीक है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? वो हाथियों के लिए, कछुओं के लिए, गेंडों के लिए या सिंहों के लिए। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, भितरकनिका किसके लिए प्रसिद्ध है? वो कछुआ के लिए प्रसिद्ध, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा कछुआ पाया जाता है, कछुओं की सबसे बड़ा प्रजाति पाया जाती है यहाँ पे भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 22 जनवरी, 22 फरवरी, 22 मार्च या 22 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 22 मार्च को। ठीक है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? वो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, टोडा जनजाति किस राज्य में मिलता है? ठीक है, टोडा जनजाति किस राज्य में मिलता है? आपके ऑप्शन से गोवा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। आप लोग कमेंट करेंगे अगर कोई भी आंसर आपको पता है तो कमेंट करेंगे। ठीक है, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सक्सेसफुल MCQ।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। ठीक है, टोडा जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भूकंप की शक्ति के परिणामों को मापा जाता है। ठीक है, भूकंप की शक्ति के परिणाम को मापा जाता है। आपके ऑप्शन से रिएक्टर पैमाना, ऑप्शन बी केल्विन पैमाना, ऑप्शन सी एम्पियर पैमाना या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, रिएक्टर पैमाना से भूकंप के परिणाम को मापा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिल्ली सल्तनत पे कुल कितने राजवंशों ने शासन किया। ठीक है, आपके ऑप्शन से 2, 4, 7, 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 राजवंशों ने शासन किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मार्क गेस इनमें से कौन है। ठीक है, मार्क गेस किसको कहते हैं। आपके ऑप्शन है एथेन, मेथेन, सॉरी यहाँ पे मीथेन होगा, ध्यान रखेंगे आप, प्रोपेन या ब्यूटेन। ठीक है, मार्क गेस इनमें से कौन सा होगा, एथेन, मीथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मीथेन। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर है मीथेन होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नोबल गैस कहलाता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है लिथियम, बेरिलियम, हीलियम, हाइड्रोजन। कमेंट करते जाएंगे हर एक क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हीलियम। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सबसे कठोर धातु क्या है। आपके ऑप्शन से प्लेटिनम, हीरा, स्टील, कैडमियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्लेटिनम। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे कि सबसे कठोर धातु पूछा है। ठीक है, सबसे कठोर धातु पूछा है तो प्लेटिनम, अगर सबसे कठोर पदार्थ पूछेगा तब हीरा होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, इसमें पदार्थ पूछा है, इसका राइट आंसर हीरा हो जाएगा। ठीक है, अगर धातु पूछता तो कैडमियम होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अश्रु गैस कहलाता है। ठीक है, अश्रु गैस कहलाता है। आपके ऑप्शन है नाइट्रेट ऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरो एसिटोफिनोन, ऑप्शन सी मिथाइल मरकोइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अश्रु गैस कहलाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है, क्लोरो एसिटोफिनोन को हम अश्रु गैस भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है न्यूट्रॉन, प्रोट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या इनमें से सभी। कमेंट करेंगे आप सब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए न्यूट्रॉन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा छोटी जी का मान कम कहाँ पे होता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन से ध्रुव पर, ऑप्शन बी विषुवत रेखा पर, ऑप्शन सी क्षैतिज रेखा पर या ऑप्शन डी लंबवत पर। विषुवत रेखा पर। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर है। ठीक है, इसका मान आप याद रखेंगे कि 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है। ठीक है, आपके ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका, जापान। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अमेरिका। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है, तो वो आज का अमेरिका की है। ठीक है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्जुन पुरस्कार कब से देना शुरू किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार कब से देना स्टार्ट किया था, यानी शुरू किया था। आपके ऑप्शन से 1952, 1960, 1961 या 1965। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1961। अर्जुन पुरस्कार जो कि 1961 को देना स्टार्ट किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। ठीक है, आपके ऑप्शन है 1914, 1915, 1917 या 1920। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1917। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो वो 1917 से हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गोरा उपन्यास के लेखक कौन है। ठीक है, गोरा उपन्यास के लेखक कौन है, तो आपके ऑप्शन है प्रेमचंद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी।
इसका आंसर हो जाएगा हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, गोरा उपन्यास के लेखक कौन है, तो वो हो जाएगा हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्ट विलियम के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, फोर्ट विलियम के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शन से चार्ल्स आयर, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेजली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चार्ल्स आयर। ठीक है, फोर्ट विलियम के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वो हो जाएगा चार्ल्स आयर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कुतुब मीनार के पास स्थित लो स्तंभ को किसने बनवाया था। ठीक है, तो आपके ऑप्शन हैं चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, और कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, और कुतुब मीनार का जो नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। ठीक है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्यभिषेक 1206 ईस्वी में किया था और अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में आप लोग सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।